इंडियन मार्केट में कार्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लगभग लोग अपनी खुद की ही कार से ट्रेवल करना पसंद करते हैं। वहीं एंट्री लेवल कार्स की डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मेन रीज़न हर किसी बायर के बजट में फिट होना। इंडिया में कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज अपनी कुछ न्यू एंट्री लेवल हैचबैक कार्स को इंडिया में लाने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इंडियन मार्केट में आने वाली 3 अपकमिंग एंट्री लेवल कार्स को कवर किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पहले आइकन प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किया कैरेंस, किया 16 दिसंबर को अपनी नई एमपीवी पेश करेगी। इसे कैरेंस कहा जाएगा। इसे अगले साल किसी समय लॉन्च किया जाएगा। इंटरनेट पर नई एमपीवी किया कैरेंस की बहुत सारे पाई शॉट दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किया पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ कैरेंस को पेश करेगी। पेट्रोल इंजन 1.4 लीटर यूनिट में होगा, वहीं डीजल इंजन 1.5 लीटर यूनिट में होगा। लेकिन इंजन और गियरबॉक्स दोनों किया सेल्टस और हुंडई क्रेटा के साथ साझा किया होगा। किया कैरेंस में मिलने वाला 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज्ड होगा। इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन भी होगा। इंजन 140 bpm पावर और 242 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। यह 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। यदि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन लेते हैं तो इसमें स्टेयरिंग व्हील के पीछे ट्रैक्शन मोड, ड्राइव मोड और पेडल शिफ्टर भी मिल सकते हैं। 1.5 लीटर डीजल इंजन 105 PS की अधिकतम पावर को और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। इसे 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा। कैरेंस का डिजाइन प्रोफाइल एक MPV की तरह नहीं दिखेगा। इसमें एक फ्लैट बोनस, सुपर बम्पर डिजाइन, वाई आकार के LED डे टाइम रनिंग लैंप और मजबूत शोल्डर लाइंस हैं। इसमें प्लास्टिक क्लैडिंग है जो कार की पूरी लंबाई में चलती है। किया मोटर्स की कैरेंस में मिलने वाले हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें स्लिप सेटअप भी होगा, जिसमें LED DRLs के नीचे होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किया अपनी टॉप एंड वेरिएंट का एक LED सेटअप में पेश करेगी। इसमें LED टेल लैंप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और वॉशर के साथ रियर वाइपर होगा। किया कैरेंस फीचर, हुंडई की तरह किया अपनी कारों के साथ एक लॉन्ग फीचर सूची पेश करने के लिए जानी जाती है। कैरेंस कोई अलग नहीं होगा। इंटीरियर के स्पाई शॉट पहले से लीक हो चुके हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि कैरेंस एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आएगी। ये काफी हद तक हुंडई वेन्यू और हुंडई वर्ना से मिलती जुलती होगी, लेकिन इसे काफी हद तक फिर से रीडिजाइन किया गया है। रेनॉल्ट केबिट फेसलिफ्ट, केबिट रेनॉल्ट मोटर्स की तरफ से मोस्ट अफोर्डेबल कार है। रिसेंटली केबिट ने 4 लाख सेल्स का माइलस्टोन हासिल कर लिया है। रेनो ने रिसेंटली अपनी केबिट का अपडेट दिया था, लेकिन केबिट को कंपटीशन के लिए बड़े अपडेट की जरूरत है। रेनो मोटर्स अपनी अपकमिंग केबिट में बेस्ट एंड सिलिक डिजाइन का एक्सटीरियर, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोलर, क्रूज कंट्रोल और कई ऑटोमेटिक फीचर्स उपलब्ध करवाएगी। रेनॉल्ट केबिट के फेसलिफ्ट वर्जन को इंडिया में 2022 के लास्ट तक लॉन्च किया जा सकते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 4.5 लाख रुपीज से लेकर 6.5 लाख रुपीज तक होने वाली है। मारुति अर्टिगा अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग MPV है। खासकर इसका CNG वेरिएंट मार्केट में काफी ज्यादा मशहूर है। इसके CNG वेरिएंट के लिए देश के कुछ शहरों में 7 से 8 महीनों तक की वेटिंग चल रही है। इसके फेसलिफ्ट मॉडल में एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक कई बड़े बदलाव देखने की उम्मीद है, जो कि मौजूदा मॉडल से अलग होंगे। अर्टिगा में कुछ नए फीचर्स की उम्मीद ग्राहकों को जरूर होगी। चलिए दोस्तों, इसके पावर और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट का इंजन और अन्य मैकेनिज्म भी मौजूदा मॉडल जैसा ही होंगे। इस कार में कंपनी 1.5 लीटर की क्षमता वाला पेट्रोल इंजन देगी, जो कि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा। ये इंजन 105 bhp की पावर के साथ 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा और यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 4
स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यहाँ तक कि इसकी कीमत की बात करें तो अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा है, लेकिन माना जा रहा है कि नए अपडेट्स के चलते मारुति सुजुकी अल्टिगा थोड़ी महंगी हो सकती है। तो गाइज ये थी 3 अपकमिंग कार्स। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।